हम दोनों शादी करना चाहते हैं, बट इनकी फैमिली इश्यूज है कि शादी के एक साल बाद ही इनकी फैमिली को बेबी चाहिए। हम लोग थोड़ा कुछ टाइम साथ में रहेंगे, हम लोग एक बेबी प्लान करेंगे, जो बेबी होगा हमारे घर में इनके घर में शो कर देंगे, मेरा है। एग्रीमेंट है, सब कुछ पढ़ लो। क्या वो है, कर दो साइन। इसको जो अंदर वो वाला जो रूम है ना, उसमें बंद कर देंगे। हाँ ठीक है, पैसे से हम अपना बाद में ट्रांसफर करेंगे, वो डिटेल मुझे बाद में बता देना। चलो ऐसा, अच्छा चलो। नहीं 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 नहीं, क्या दीदी मेरी, एक बार मेरी बात सुनो, एक बार मेरी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी प्यारी वर्षा और आज मेरे साथ हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल शर्मा, द हंगामा फिल्म से। गाइस मेरी एक फ्रेंड है, उसका मेरे पास कॉल आया, बहुत बार कॉल आया, उसने बोला मुझे थोड़ी सी हेल्प चाहिए। मैंने कहा ठीक है। उसने बताया जो उसकी छोटी बहन है ना, वो कम टाइम में ज़्यादा पैसे कमाना चाहती है और घर वालों ने उसे बहुत समझाया है, तो आज हम उसे अपने तरीके से कुछ समझाने। देखो लड़की समझ जाती है तो अच्छी बात है, नहीं समझेगी तो वर्षा समझा ही देगी उसे। ठीक है, तो बाकी देखो पता नहीं वीडियो में क्या होगा। और लड़की आ रही है शायद, बुला लिया तूने उसे? हाँ मैंने बुला लिया है, वो आने वाली है कुछ देर में, तो हम मिलते हैं आपको वीडियो के एंड में। आ गई है, मैं बुलाती हूँ। हाय प्रिया, कैसे? बढ़िया, आप बताओ। बैठो बैठो, प्रॉब्लम तो नहीं आई आने में? ये क्या नाम, प्रिया बताया? प्रिया, हाँ ये प्रिया है। तो इसको ना कम टाइम में ज़्यादा पैसे कमाने हैं। अब वो बोल रही थी कि शूट वूट कराने में, तो शूट वूट तो वो बताया था ना तुमने, कि शूट, हाँ मैंने शूट के बारे में बताया था कि मतलब 10,000-20,000 कमा सकते हो उसमें, वो करना है। तो ये तो जी जॉब की जैसे हो गया। अच्छा हाँ, तो जॉब भी तो ऑब्वियसली यार, पैसे कैसे कमाओ, जॉब करके पैसे कमाओगे ना, कुछ काम तो करना पड़ेगा ना, तो मुझे कम टाइम में चाहिए ना पैसा। और यार सुनो ना, हाँ तो बात कर सकते हैं, मैं जो अगर पैसे की बात है तो पैसे तो मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी वाली बात ही पर्सनल। अच्छा शेयर ना करें। ओके प्रिया, एक और काम है जिसमें तुम कम टाइम में बहुत पैसे कमा सकती हो, बताओ। बट तुम्हें ये किसी से शेयर नहीं करनी है कहीं भी, मतलब हमारे यहाँ के लोगों को भी नहीं पता है वो बात, तो किसी से बोलना ही नहीं है, वो तुम्हारे बीच में रहेगी और हम दोनों के बीच में रहेगी। देखो पैसे की बात है क्या, तुम्हें पैसे, ऑब्वियसली पैसे सभी को कमाने हैं, तुम्हें पैसे कमाने हैं, वो तुम्हारा काम मैं पूरा कर दूंगा, हम लोग पूरा कर देंगे, ठीक है। लेकिन हमारी एक पर्सनल प्रॉब्लम है जिसको तुम सॉल्व कर सकती हो, और उसके बदले तुम जो पैसा कहोगी तो पैसा भी मिल जाएगा, टेंशन ना लो। जितना कहोगी, जितना जैसे मांगोगी भी ना, उससे ज़्यादा देंगे हम पैसा। मैं कैसे कर सकती हूँ? अभी हम बताते हैं मतलब क्या है हमारे, जो अभी सिचुएशन हमारे सामने आ रही है, ये मेरे बॉयफ्रेंड है, ठीक है, 3 साल हो गए हमारे रिलेशनशिप को, बट अभी क्या है, इनके घर वाले प्रेशर कर रहे हैं कि शादी करने के लिए, अब इनके रिश्ते आ रहे हैं, तो हम दोनों शादी करना चाहते हैं, बट इनकी फैमिली इश्यूज है कि शादी के एक साल बाद ही इनकी फैमिली को बेबी चाहिए। होता है ना, फैमिली मेरी पूरी वैसी है ना थोड़ी सी, और हम लोग को पता है हमारा काम ये सब, हमारे शूट वगैरह के हैं काम, तो फिर दिक्कत हो जाती है चीज़ों में ना। हाँ तो इनकी फैमिली को बेबी चाहिए, जो कि मैं प्रेग्नेंट हो नहीं सकती। हाँ मतलब इसको थोड़ी सी ना वो दिक्कत है, वो लेडीज वाली ना कुछ की मतलब वो होता नहीं है, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? सुनो ना, एक तुम ही हेल्प कर सकते हो, मैं समझाता हूँ। हाँ देखो क्या, देखो बुरा मत माना, लेकिन देखो क्या है कि मुझे ऑब्वियसली देखो हर एक फैमिली, अब हम लोगों के साथ में फैमिली बनानी है, तो मुझे इसके साथ एनी हाउ रहना है, मैं जितने मर्जी मतलब पैसे कोई मुझे कहेगा ना करोड़ों पे खर्च करो, करोड़ों पे खर्च करने को तैयार हूँ, ठीक है। अब क्या है कि देखो ये ना कभी मदर नहीं बन सकती। अब है क्या, तुमने सुना होगा आजकल टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हो गई है कि हम लोगों को शादी करनी है, लेकिन हमें पहले घर वालों को प्रूफ भी देना होगा, भाई 1 साल के अंदर फिर हमें बेबी करना है, ठीक है। तो क्या है कि हम लोग शादी तो कर लेंगे, तुम्हें बस हमारा साथ देना है, हमें एक बच्चा देने में। उसके लिए क्या होगा, मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, सुनो। उसके लिए क्या होगा, तुम मतलब हम लोग थोड़ा कुछ टाइम साथ में रहेंगे, और हम लोग एक बेबी प्लान करेंगे, जो बेबी होगा वो हम दिखा देंगे घर में, वर्षा तुम्हारे घर में, हाँ, शो कर देंगे, हमारे घर में इनके घर में शो कर देंगे, मेरा है, बट मैं शादी के बाद ही, हम शादी कर लेंगे, मैं शादी के बाद कहीं चली जाऊंगी, और तुम लोग कहीं और शिफ्ट हो जाओगे, और ठीक है, ज्यादा नहीं शायद 10-12 महीने की, 1 साल की मैक्सिमम बात है। मेरे घर पे कौन बात करेगा? नहीं घर पे सुनो, अरे वो तो तुम समझाना ना, ऑब्वियसली देखो आप पैसा फिर किस बात कर रहे हो, तो बात सारी तो तुम्हें करनी पड़ेगी ना घर में। अब तुम्हें इतना पैसा मिल रहा है तो घर पे कुछ तो बोल दो कि मैं कहीं और जा रही हूँ पैसा कमाने, ये वो ऐसा कुछ। काम करते हैं 50,000 लाख महीना, जितना तुम्हें चाहिए मैं सारा का सारा तुम्हें दे दूंगा।
पूरा हर महीने के तुम पैसे मिलेंगे तुम्हारे अकाउंट में पूरा पहुंच हर महीने के हम पैसे देंगे, ये नहीं कि एक साल बाद देंगे, हर महीने तुम्हें पैसे मिलेंगे जितना जितना तुम्हारे शौक है पूरे कर लेना उसमें जो भी है पूरा, बस ये कि एक साल बाद फिर जब हमें बेबी मिल जाएगा ठीक है हम तुम्हारा पूरी फाइनल पेमेंट करके खत्म, तू अपना काम करना हम अपना काम। इतने टाइम में तुम इतना पैसा कमा सकती हो कि पूरी लाइफ अपना उसी में ही खर्च कर सकते हो ना। सही बात है, फ्री हो जाओगे फिर, हमारे फिर कुछ भी वो नहीं है तुम्हारे ऊपर। यार देखो एक बार सुनो, देखो अब तुम्हें नॉर्मली तुमने बोला जॉब वॉब के लिए, जॉब में नॉर्मली कितना कहाँ पैसा मिल जाएगा, यहाँ तुम्हें बताओ उसे कितना चाहिए, 50,000 चाहिए, 80,000 चाहिए, लाख चाहिए, कितना चाहिए मैं बताओ उसे। एक लाख हर महीना मिलेगा, हर महीना अगर 12 महीने लगेंगे, 12 महीने हैं तो 12 लाख, तो 12 लाख रुपए। आपने मेरी दी को तो नहीं बताया ना मैं आई। नहीं मेरी तुमसे बात होती थी तो मैंने बताया नहीं, तुम तो बता के नहीं घर वालों को, खत्म कर बस, कोई नहीं बता रहा, ये करवाएंगे एग्रीमेंट, बकायदा एग्रीमेंट होगा, सारी चीज़ें होंगी उसमें, ऐसा नहीं कि हम हवा में बातें, पूरा एग्रीमेंट है ये पूरा, चाहे तो पढ़ लो पूरा एग्रीमेंट है, सब कुछ पढ़ लो और एक साल तक बस ये कि हमारे जितना हमने बताया ना सब कुछ इसमें लिखा है, सब लिखा हुआ है। क्या वो है, कर दो साइन ना, इसको दिक्कत है ना मुझे दिक्कत है, पैसे बताओ अभी पहले स्टार्टिंग में हाथों ट्रांसफर कर देते हैं, पहले पढ़ लो पढ़ना है तो। अगर नहीं नहीं ट्रस्ट है मुझ पर, ट्रस्ट है इतने दिनों से बातचीत हो रही है और क्या, सही बात है, इतना तो ट्रस्ट होना चाहिए। ठीक है अब क्या है, देखो सुनो पूरा प्रोसीजर मैं बता देता हूँ, हम लोग यहाँ से अभी हम कोशिश करेंगे, हम लोग वैसे भी तो यहीं रहेंगे है ना, हाँ। क्योंकि फिर तुम्हारे घर में भी दिक्कत हो जाएगी, मेरे घर में दिक्कत हो जाएगी, तो अब एक इसी महीने में हम लास्ट में शादी कर लेते हाँ, हैं ठीक है, अब चलो तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है तो फोन वोन दो, अपना फोन दिखाओ, हाँ एक फोन वोन दिखाओ, पक्का ना किसी को बताया तो नहीं सोच लेना, हाँ फ्रेंड फ्रेंड को तो नहीं बताया कि मैं वहाँ जा रही हूँ मुझे शूट मिल रहा है, किसी को भी ना बॉयफ्रेंड कोई भी किसी को बताना कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कुछ हमारे बीच हुआ भी है, हाँ ठीक है ना, और बॉयफ्रेंड तो भूल जाओ एक साल, हाँ एक साल तो भूल जाओ, समझ लो मैं ही तुम्हारा बॉयफ्रेंड, यही है सब कुछ, फोन में बंद कर देता हूँ, आप फोन बंद कर दो, फोन की क्या जरूरत है, क्यों कर रहे हो, हाँ तो कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि अब तुम्हें रखेंगे ना एक साल तक, ऐसा करो इसको जो अंदर वो वाला जो रूम है ना उसमें बंद कर देंगे, हाँ ठीक है, पैसे से हम अपना बाद में ट्रांसफर करेंगे, वो डिटेल मुझे बाद में बता देना, अरे ऑब्वियसली बताया ना कि हम एक साल तक तुम यहीं रहोगी ना हमारे साथ बेटा, तो अब एक साल कॉन्ट्रैक्ट में एक साल तक तुम हमारी प्रॉपर्टी हो, हम हमारे पास रहोगे, हम चाहे कुछ भी करे तुम, क्योंकि उसमें बकाया था तुम पैसा भी दे रहे हो, इतना सारा पैसा खर्च करो इसलिए थोड़ी खर्च कर रहा हूँ मैं, तुम्हें बात तो माननी पड़ेगी, थोड़ी रखते हैं कैसे रखते हैं, तो मैं तुम्हें बाहर थोड़ी जाने दूंगा, जो दुनिया भर को बाहर नहीं घूम सकती तुम, अगर तुम्हारे घर वाले कहीं मिल गए तो हम क्या कर लेंगे, ले जाएंगे वो तो रास्ते में, और अगर तुम कहीं भाग गई तो हमारी क्या गारंटी है, हम तुम्हें पैसे दे रहे हैं और तुम भाग जाओ बीच में से, यही रहूंगी, हाँ तो यही हम तो वही कह रहे हैं, वही कह रहे हैं, रूम में बंद रहोगी, खाना तुम्हें वही अन्न मिल जाएगा, ये नीचे से पहुंचा दिया और खाना हेल्दी मिलेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि बेबी हमारा अच्छा सा हो, ये नहीं कि हम तुम्हें सुबह शाम ऑमलेट मिलेगी बेहतरीन, शाम को चिकन, जो खाना उस सब खाओ दबा के, फ्री का मिलेगा, और फोन नहीं मिलेगा, फोन वो नहीं मिलेगा, फोन नहीं मिलेगा, टीवी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं, सिर्फ एक बेड मिलेगा और खाना मिलेगा तुम्हें, ठीक है ठीक है, तुम कुछ नहीं कर सकती, सुनो अब जब तुम्हारा हो ही गया है फाइनल, पैसा मिल जाएगा पूरा, नहीं 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 चाहिए पैसा, तुम्हें टाइम पे मिलेगा, नहीं चाहिए थी, नहीं चाहिए, अरे पैसा ही तो चाहिए, ऐसे कैसे रहूंगी एक रूम में, हम कैसे रहेंगे खड़े, चलो मैं बंद करती हूं, हां मैं करती हूं, नहीं चाहिए थी, क्या नहीं चाहिए यार, ये क्या, अरे चल इसको बंद कर फटाफट, चलो ऐसा, अच्छा चलो, नहीं 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 क्या, एक बार मेरी बात सुनो, एक बार मेरी, अरे अब हो गया है ना एग्रीमेंट, हो गया पहले बैठा के बात की थी ना, एक बार मेरी क्या बात सुनो बैठ, अरे यार अब जब सब हो गया है ड्रामे, वो ही ड्रामे, पिज्जा सैंडविच मांगे कि नाश्ते में, वो नहीं देने वाले हम, चीज मत ऐड करो, वो नहीं देने वाले, इसमें लिखा हुआ है दीदी मेरी मम्मी हूँ मेरे पापा, तो तेरी मम्मी पापा को हम खिलाएंगे क्या, तेरे से बात हुई है ना, पूरा पैसा दे देंगे, जब पैसा दे रहे हैं अपनी मम्मी को भेजना, पापा को भेजना, बहन को भेजना, किसी को भी पैसे भेजना, हम तो तुम्हें देंगे, हमें तुमसे मतलब है, घर वालों से कोई मतलब नहीं है, और ना तुम्हारा मतलब है घर वालों से, नहीं दीदी ऐसे नहीं, फोन नहीं दे सकते, क्या पता तुम अपने फ्रेंड को बुलाओ और बोलो कि मेरे को ले जाओ यहाँ से, पैसे मिलते की बात होगी और पूरा एग्रीमेंट है, मुकम्मल सकती है चीज, कोई बात क्या, अरे छीन क्यों रही हो, चलो जी फटा बहुत देर होगी, चलो तो रखो यार, ड्रामे यार, ये बात सुनने के लिए थोड़ा बैठी हूँ मैं, चलो मुंगा पट्टी बांध के बांधना, कभी चिल्लाए फिर, चलो ये टैटे वाली पसंद नहीं, सुन छोड़िए, बता के तो नहीं आई ना किसी को, बात फिर ये तो और अच्छी बात है, नहीं नहीं चलो चलो छोड़ छोड़ उसको, उसका मुंह मत, नहीं 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 क्या, नहीं नहीं एक मिनट, ये रोने का ड्रामा क्या कर रही है, क्या रोने ड्रामा कर रही है, क्या ये झूठे आंसू क्यों, जब से बड़ी कह रही थी पैसे कमाना, पैसे कमाने हैं, है
अब इतने पैसे मिल रहे हैं तब भी जॉब करके कमाने हैं, क्या हुआ अब? ऐसे नहीं अभी कमाने पैसे नहीं बता तो व्यवसाय कर रहा था। पहले तो बड़ा उछलती थी, तुम घर पे बोलती थी शायद, अपनी दीदी को बोलती थी ना ये सब बातें कि मुझे पैसा कमाना है शॉर्टकट तरीके से। अच्छा तो अब नहीं कमाना, अब तो तरीका मिल भी गया कमा लो पैसे। जब घर वाले कुछ समझा रहे हैं तो उनकी नहीं माननी, बाहर अगर कुछ हो जाता है तब समझ में आ जाता है सब कुछ। कोमल ने बात करी थी, कोमल ने भिजवाया है यहाँ पे, कोमल इसकी फ्रेंड है। अगर उसने इससे बात करी, अगर तुम ये समझ रही हो कि डायरेक्ट मुझसे तुम्हारी बात हुई है, ऐसा नहीं है। तुम्हारी बहन ने बोला कि मेरी बहन को समझ नहीं आता, उसको घर वाले समझा समझा के परेशान हो गए हैं कि इतने कम टाइम में इतने पैसे नहीं कमाए जाते। अब अगर हमारी जगह कोई और होता तो तुम्हारे साथ कोई कुछ भी करता तो घर पे बता के आई नहीं है तुम, नहीं बता के आई ना, नई फ्रेंड्स को बताया, नई बहन को बता के आई। अभी ये सिचुएशन जो हुई है वो हकीकत में हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, कुछ भी कर सकता है। तुम्हें घर वालों को बता के नहीं, दीदी तो तुम्हारी बहन समझा दी, तुम्हारे समझ में आता नहीं है शॉर्टकट तेरे पैसे कमाने हैं। अगर आज तुम्हें ये हम मतलब समझाने वाले नहीं मिलते, पता नहीं आगे जाके पता नहीं किसके हाथ में आ जाती। ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये लो तुम्हारे सामने ठीक है ना फाड़ दिया। और ये ना हमने एक वीडियो बनाई है ताकि तुम ही नहीं और आगे भी लोग समझे, कोई भी लड़की ये वीडियो देख रही है तो वो ये समझे कि कम टाइम में ज्यादा पैसे नहीं कमा सकते। पूरा कैमरा हिडन कैमरा, ये अभी भी शौक है लड़की। तो गाइस देखा आप लोगों ने, ये देखो है क्या, ये तो सिर्फ एक तरीका है कि चीज लोगों को समझाने का, पता नहीं कि जितना समझ में आया मेरे तो समझ में आ गया मेरे हिसाब से, है ना, क्योंकि कोई कुछ भी गलत कर सकता है तुम्हारे साथ कभी भी, अगर ऐसे तुम बिना बताए घर से जा रही हो। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कोई भी लड़की हो चाहे लड़का हो, अगर ऐसे कहीं भी होता है शॉर्टकट तरीका होता है दिमाग में, आजकल लड़कियों के दिमाग में ये चीज़ें होती है तो वो चीज़ें निकाल दे दिमाग से। ठीक है, अच्छी अच्छी वीडियोज बना के जैसे वर्षा बना रही है ऐसे वीडियो बना के पैसे कमाए जाते हैं। कम टाइम में कोई ज्यादा पैसा नहीं कमा सकता। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट कर देना भाई और शेयर कर देना जितनी ज्यादा हो सके, ये शेयर करो वीडियो ताकि कोई भी, मुझे इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना, मुझे भी कर लेना। ठीक है, तो गाइस हम मिलते हैं, वीडियो हम डाल सकते हैं। ठीक है, वैसे तुम्हारी बहन ने परमिशन दी थी और ऑब्वियसली किसी और का भला ही होगा इस वीडियो से। ठीक है, तो भाई क्या करना है आपको बता दो, आगे चैनल चैनल को सब्सक्राइब करना है प्यारी वर्षा को जिसने नहीं किया है। करना है हाँ, दोनों करने हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप देखते रहो वीडियो।